नमस्कार दोस्तों, जय गांव में इसमें एक बार फिर से जुड़ रहे हैं जय गांव खोखला बस्ती क्षेत्र के इंद्राणी टोल से। और सुबह सुबह ही आप सभी के समक्ष विजुअल साझा किए थे कि किस तरह से 5 हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में प्रवेश करके भारी तबाही मचाया था, उसका दृश्य भी आप सभी के समक्ष साझा किए थे। फिलहाल इस समय आप सभी के समक्ष जुड़ रहे हैं जयगांव के समाज सेवी नवीन के क्षेत्री यहाँ पे पहुँचे हैं सहयोग पहुंचाने के लिए, इस पीड़ित परिवार को सहयोग पहुंचाने के लिए आप सभी के समक्ष दृश्य साझा कर रहे हैं दोस्तों। और साथ में हम लोग चलते हैं, बात करते हैं नवीन के क्षेत्री से और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मदद पहुंचाते हैं। नवीन जी नमस्कार, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इस परिवार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होने के पश्चात क्या देखे हैं, क्या मदद पहुँचा रहे हैं बताइए। देखिए अभी तो मैं सर्वप्रथम आपको नमस्कार, इनका हाल बहुत बुरा हाल है, देख लीजिए आप। हाँ तो इनको अभी हम फिलहाल कुछ पैसों से मदद कर रहे हैं, पैसों देख कर कहीं है कोई हेल्प हो सके, उसके बाद सोच रहा हूँ अगर यहाँ प्रशासन और प्रधान आके कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो देखना पड़ेगा बाद में क्या होगा। आपके बगल में ही ग्राम पंचायत के पंचायत मेंबर पवन वीर मुक्तान जी साथ में बैठे हुए, उन्होंने भी कुछ जानकारी दिया होगा क्या मदद। जरूर जरूर, मेरे को पंचायत मेंबर हमारे पवन भाई और हमारे कुशा के जो प्रेसिडेंट हैं उत्तम भाई, उनके द्वारा जानकारी हासिल हुआ, उनके द्वारा ही हमको इधर आना पड़ा। आप हमेशा इस तरह के कार्यों में, इस तरह के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए आप हमेशा तत्पर आगे आते रहते हैं। इस पीड़ित का देखा जा रहा है कि किचन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, तो इसके लिए आप कुछ मैं बोल दिया तो जब तक प्रशासन और प्रधान कुछ नहीं कर सकता या कोई भी आके इनको कोई हेल्प नहीं कर सकता तो देखता हूँ, उसके बाद मैं वचन तो नहीं देता हूँ लेकिन जरूर कुछ करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे चैनल के। और सर और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, और जो ये खोखला अपर खोखला जो है, इनमें जिस तरह से पवन भाई और हमारे उत्तम भाई जिस प्रकार से एक्टिव हो रहे हैं समाज के प्रति और जो कर रहे हैं वो भी बहुत फिजिकली बहुत सहायता है, उनकी मदद है। धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। इसी तरह से आप सामाजिक कार्य में आगे बढ़ते रहें, जयगो मिरर्स आपके साथ है, कदम से कदम मिला के हम लोग समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य करेंगे। आप कार्य करते रहिए, हम लोग आपको आगे किसी तरह से मदद और जो भी संभव साथ देना है जरूर देंगे। और धन्यवाद बात करने के लिए। और पवन जी आप बताइए, समाज सेवी नवीन के क्षेत्री जी यहाँ पे आए हैं, आपके क्षेत्र के निवासी के मदद के लिए आगे बढ़ के आए हैं, प्रशासन की तरफ से कब पहल किया जाएगा और क्या कहना चाहेंगे ये जो मदद पहुंचा रहे हैं? जी नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल जयगो मिरर्स विजय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना हम लोग का खोखला का जो दूत परिवार है उसको इतना अच्छा से न्यूज़ करके आप लोग ग्राउंड लेवल में आता है, इसलिए ढेर सारे धन्यवाद। और दूसरा बात, ये जो घर है, जो घर का जो महिला है एक विधवा है, एकदम दुखी परिवार से है, जो यहाँ पे जो रात का जो कांड हुआ था, जो जंगली हाथी के कारण जो घर का तोड़फोड़ हुआ था, उसके कारण हम लोग नवीन के क्षेत्रीय हमारा भैया जो सोशल वर्कर से जय होगा समसूद नाम से जानता है आप जय हुए, उसका हम लोग खबर दिया, वो साथ साथ आधा घंटा एक पौने घंटा में पहुँच गया। अब वो यहाँ के कुछ आर्थिक जो सहायता हुआ, जो पैसा थोड़ा पैसा घर बनाने के लिए दिया, अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं आया कि यहाँ ऐसा ऐसा गरीब परिवार को थोड़ा देके थोड़ा मदद करके, तो कोई भी नहीं आया, वो भैया आया। इसके लिए हम संपूर्ण जो जितना भी गाँववासी है और मैं पंचायत मेंबर, हम लोग को जितना भी टीम है और तरफ से ढेर सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे रहे भगवान उसको सदा दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए मदद देते रहे, उसको ढेर सारे आशीर्वाद देते रहे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पवन जी और एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से क्या पहल किया जा रहा है, ग्राम पंचायत के आप पंचायत मेंबर हैं, प्रधान की तरफ से आप क्या सहयोग करा रहे हैं? अभी देखिए
सुबह में बीट ऑफिसर आया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आया था, हम रेंज ऑफिसर भी बोला था और जो भूमिकर्म अध्यक्ष है रोशन उरम जी है कालचिनी ब्लॉक का, उसको भी हम लोग इन्फॉर्म किया था, लेकिन बीट ऑफिसर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो प्रतिनिधि आया था आके फोटो खींच के थोड़ा फॉर्म वॉर्म दे के ले गए, ऐसा तो 2-3 साल से हो रहा है लेकिन कुछ इसके लिए कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। हम खुद एक पंचायत मेंबर एक फॉरेस्ट कमेटी के सदस्य भी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा बात है, थोड़ा बाद में फिर प्रधान भी आया, प्रधान आके थोड़ा काल में आके देखेगा बोल रहा है, देखेंगे काल में क्या देंगे प्रधान, उसी हिसाब से हम जो भैया है जो सोशल वर्कर्स नवीन है वो भी बोल रहा है कि उसी हिसाब से फिर और मदद करेंगे। धन्यवाद पवन जी हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।